93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। एफएम रेडियो आज की डेट में सब इसके दीवाने हैं। ये एफएम रेडियो हमारी बदौलत चलता है या हम इसकी बदौलत चलते हैं, इस पर ना आपने कभी गौर किया ना कभी हमने। संजय भी उन्हीं में से एक था जिसकी पहली गर्लफ्रेंड थी उसकी बीवी, तीसरी रेडियो और दूसरी वाली पर हम थोड़ी देर में आएंगे। हर दिन की तरह संजय अपनी ऑफिस के लिए निकला। मॉनसून में पुणे की सबसे बड़ी खासियत होती है हल्की हल्की बारिश और खुशनुमा मौसम। गाड़ी आज सुबह ही 5 दिन के बाद गैराज से रिपेयर होकर आई थी। इस अमेजिंग से वेदर में ड्राइव करने का मजा ही अलग था। गाड़ी के वाइपर्स चालू किए संजय ने और साथ ही रेडियो। पुणे की बारिश का मजा, यहाँ बरसात में ड्राइव करने का मजा, दोनों अलग ही है। देखिए, मैं हूँ आपका दोस्त और मेरी जान, बारिश हो रही है, इस बारिश में डेट पे जरूर जाइए। बाहर का वेदर देखते हुए रेडियो जॉकी की बात सुनते हुए संजय मन ही मन सोच रहा था कि काश यार रेडियो पर वो गाना बजता, इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे पूरी यहाँ। देखिए, बारिश की बातें बातें कर रहे हैं और आप डेट पे गए हो जैसे मैंने कहा, तो समवन स्पेशल जब दूर जाने की बात करे तो एक ही बात निकलती है ना दिल से, वही अब आप सुनेंगे अगला गाना हमारे चैनल पे। मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। रेडियो जॉकीज सच में दिल की बात समझते हैं, इसलिए शायद वो रेडियो जॉकीज होते हैं। बारिश धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी पुणे में। सड़कें गीली होने के कारण गाड़ियां थोड़ी धीमी ही चल रही थी और आगे गाड़ियों की भीड़ ने संजय को बता दिया था कि आज कितना टाइम लगने वाला है। क्या हुआ भाई मेरी जान, ट्रैफिक में फंस गए क्या? अरे सुनने में आया है यार, यूनिवर्सिटी रोड पे बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक जाम मिल सकता है आपको, तो एक काम करना, आउंद रोड होते हुए निकल जाना, आराम से जल्दी पहुंच जाओगे। रेडियो जॉकी की बात सुनकर संजय ने गाड़ी थोड़ी बैक करी और गली से निकलते हुए आउंद रोड की तरफ जाने निकला। वहां सच में कोई जाम नहीं था। उसने मन ही मन आरजे को थैंक यू कहा एंड बाय नाउ वो अपनी ऑफिस पहुंच चुका था। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ ही बोलता था। संजय ड्राइव करके घर की ओर जा रहा था और गाड़ी बड़ी स्पीड में चल रही थी क्योंकि आज उसकी वाइफ का बर्थडे था और हर दिन की तरह वो आज लेट नहीं होना चाहता था। गाड़ी की स्पीड के साथ साथ उसने रेडियो सेट का वॉल्यूम भी, तभी उसके फेवरेट आरजे की आवाज आई। हाँ मैडम, आप कुछ कह रही थी थोड़ी देर पहले, है बताइए क्या बोल रही हैं आप। उसने रेडियो जॉकी से कहा कि पति ने विश तो नहीं किया, शायद काम की वजह से भूल गए होंगे, पर एटलीस्ट आज के दिन वो जल्दी घर आ जाए ना तो मैं बड़ी हैप्पी हो जाऊंगी। ये आवाज संजय की बीवी गौरी की थी जिसका आज बर्थडे था, जो एफएम स्टेशन पे उस रेडियो जॉकी से बात कर रही थी। वो घर पहुंचा तो बर्थडे विश करते हुए कहा कि रेडियो पर तुम्हारी आवाज सुनी, बहुत अच्छा साउंड कर रही थी, तुम भी आरजे बन जाओ। गौरी ने कहा, एक तो तुमने सुबह से मुझे बर्थडे विश नहीं करा और अब झूठ मूठ की बातें बोलकर मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारी आवाज सुनी, रेडियो पर बात कर रहे थे, झूठ ना बोला करो मेरे से। ये पहली बार था जब संजय को बहुत अजीब लगा क्योंकि उसे धीरे धीरे रियलाइज हो रहा था कि वो जो सोचता है, चाहता है या जो भी उसके दिमाग में होता है वही चीज रेडियो पर भी होती है। पर अपनी इस बात को कोइंसिडेंस मानकर उसने बात आई गई कर दी। आज फ्राइडे नाइट थी, संजय ऑफिस से फिर जल्दी निकला और आज उसके साथ उसकी तीसरी गर्लफ्रेंड यानी रेडियो और उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड थी जिसके बारे में हमने कहानी की शुरुआत में कहा था कि हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। साथ में गर्लफ्रेंड और रेडियो पर आरजे की आवाज, वो आते के साथ ही संजय ने वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दिया। जुम्मे की रात है, चुम्मे की बात है, तो फिर गर्लफ्रेंड के साथ निकले होंगे, पक्का है भाई, फ्राइडे नाइट है, मना लो, लेकिन बीवी को डिच करके अगर गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो तो थोड़ा बच के रहना, पता ना चल जाए उसको कहीं। याद रखना, बीवियां वो पेपर वेट होती हैं जो पति को फड़फड़ाने देती हैं, उड़ने नहीं। वैसे फ्राइडे नाइट है तो प्लीज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, प्रॉब्लम हो सकता है। रेडियो जॉकी की बात सुनकर
संजय के चेहरे का रंग उड़ गया था। पर फ्राइडे नाइट है, एक संजय ही थोड़ी ना है जो अपनी बीवी को धोखा देकर गर्लफ्रेंड के साथ में पार्टी करने जाता है। ऐसा करने वाले उसके अलावा भी तो कई और लोग होंगे। देर रात तक पार्टी करने के बाद संजय ने अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर पे ड्रॉप किया और गाड़ी चलाकर घर जा ही रहा था। सामने चौक पर पुलिस ने उसे रोका। पुलिस ने संजय को तब तक नहीं छोड़ा जब तक संजय का नशा नहीं उतर गया था। सुबह जब वो ड्राइव करके घर की ओर जा रहा था कि आरजे की आवाज एक बार फिर से उसके रेडियो सेट पर थी। अरे यार, समझा के थक जाता हूँ, आप लोग मानते नहीं हो। दोस्त कहते हो लेकिन मानते नहीं हो मेरी बात। मेरी जान, 250 केसेस हुए ड्रिंक एंड ड्राइव के इस वीकेंड पे। पेपर उड़ा के देख लो, यकीन नहीं होता तो। मना किया था, मानते नहीं हो यार। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। जुम्मे की रात संजय अपनी बीवी से छिपाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी करने निकला ही था कि रेडियो पर रेडियो जॉकी की आवाज आई। जुम्मे की रात है, चुम्मे की बात है, तो फिर गर्लफ्रेंड के साथ निकले होंगे। लेकिन बीवी को डिच करके अगर गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो तो थोड़ा बच के रहना, पता ना चल जाए उसको कहीं। रात भर पार्टी करने के बाद संजय जब सुबह घर में घुसा तो उसकी बीवी डाइनिंग हॉल में बैठी थी, साथ में संजय की उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ तस्वीरें और एक वकील। गौरी संजय से डिवोर्स लेना चाहती थी और केस में एक मोटी रकम एलिमनी के तौर पर फाइल करी थी। संजय फिर से अपनी गाड़ी चला रहा था और मन ही मन कह रहा था, एलिमनी देगी वो भी मुझसे, एक से एक बड़े वकील खड़े कर दूंगा, दिखा दूंगा दिवालिया हो गया हूं, सड़क पे आ गया हूं, एक फूटी खड़ी नहीं दूंगा। एलिमनी लेगी मुझसे। बैकग्राउंड में उसकी तीसरी गर्लफ्रेंड मतलब रेडियो, और रेडियो पर उसका फेवरेट आरजे बोल रहा था। मेरे दोस्त, मेरी जान, एक बार फिर आ गया हूँ मैं आपके साथ बैठने के लिए। कई बार कुछ चीजें हम सोचते हैं बिना किसी को हर्ट करने के इंटेंशन लेके, कोई बात सोच के, लेकिन जिस तरह हमारी बातें कभी भी सच हो सकती हैं, दूसरों को तो चोट लगती है, कई बार अपना भी दिल टूटता है। ऑफिस पहुंचा तो बैंक से कुछ लोग आए हुए थे संजय के ऑफिस। उन्होंने बताया कि बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए आपने जो करोड़ों का लोन लिया था उसकी 14 महीनों से कोई ईएमआई नहीं भरी गई है। अपने पैसे रिकवर करने के लिए बैंक संजय की ऑफिस और उसकी सारी प्रॉपर्टीज नीलाम करने आई थी। संजय का सब कुछ नीलाम हो चुका था, बची थी सिर्फ एक गाड़ी। गौरी ने पहले ही छोड़ दिया था, ऑफिस और घर बिक चुके थे। जब वो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के घर गया तो वहां ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि वो दो दिन पहले ही शहर छोड़कर कहीं चली गई, और तो और उसका फोन भी करीबन 3 दिनों से स्विच ऑफ था। हताश, चारों खाने चित हो चुका संजय अपनी गाड़ी में बैठा, और गाड़ी में उसके फेवरेट रेडियो जॉकी की आवाज रेडियो पर। मेरी जान, मेरे होते हुए अपने आप को अकेला क्यों समझते हो? मैं हूं ना, कभी भी अकेला फील करो, कोई टेंशन हो, सीधे हमारे ऑफिस आ जाओ मुझसे मिलने। टाइम तो आपको पता ही है, पूरे टाइम ऑफिस में रहता हूं मैं। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। संजय के साथ एक अजीब हादसा हो रहा था। गाड़ी में बैठकर रेडियो चलते वक्त वो जो भी सोचता वो उसकी लाइफ में हो जाता। पहले चीजें काफी अच्छी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें संजय के लिए खराब होती चली गईं। घर, बिजनेस, बीवी, गर्लफ्रेंड सब गई। कुछ बचा था तो संजय के पास उसकी एक गाड़ी, और गाड़ी में लगा रेडियो। पिछले 2 दिनों से संजय ने अपने फेवरेट रेडियो जॉकी की आवाज नहीं सुनी थी। तभी उसे उस रेडियो जॉकी की कही हुई कुछ बातें याद आई। मैं हूं ना, कभी भी अकेला फील करो, कोई टेंशन हो, सीधे हमारे ऑफिस आ जाओ मुझसे मिलने। टाइम तो आपको पता ही है, पूरे टाइम ऑफिस में ही रहता हूं मैं। संजय उस रेडियो स्टेशन की ऑफिस पहुंचा। रिसेप्शन पे गार्ड ने जब आरजे का नाम पूछा तो संजय भाई साहब की जबान पे कोई नाम ही नहीं था, क्योंकि उस आरजे ने आज तक कभी भी रेडियो पर
अपना नाम तो लिया ही नहीं था। अब देखिए बारिश की बातें बातें कर रहे हैं और आप डेट पे गए हो, जैसे मैंने कहा चुम्मे की बात है, तो फिर गर्लफ्रेंड के साथ कई बार कुछ चीजें हम सोचते हैं बिना किसी को, वो पेपर वेट होती है। संजय के बार बार रिक्वेस्ट करने पर गार्ड ने उसकी मुलाकात स्टेशन के प्रोग्रामिंग डायरेक्टर से करवाई। संजय ने उन्हें बताया कि सुबह ऑफिस जाते वक्त और रात को ऑफिस से लौटते वक्त वो उसी आरजे को सुनता था, वो जब रेडियो चलाता था तब उसी आरजे की आवाज को सुनता। प्रोग्रामिंग डायरेक्टर ने कहा कि सर आप जिस तरह की बात कर रहे हैं वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी भी स्टेशन में कोई भी आरजे 4 या 5 घंटे से ज्यादा का शो नहीं करता, और हमारे यहां ऐसा कोई आरजे ही नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हो। 2 दिनों से उस रेडियो जॉकी की आवाज गायब थी, ऑफिस आया तो वो भी नहीं मिला। निराश और हताश संजय उस रेडियो स्टेशन के ऑफिस से निकला, पार्किंग से गाड़ी निकाल ही रहा था। अरे आप यहाँ पे पार्किंग, एक पार्किंग वाले से किसी बात को लेकर बहस हो गई। अरे आप बात को आगे मत, 2-3 लोग बीच में आए और उन्होंने मिलकर झगड़ा रुकवाया। इसके बाद संजय अपनी गाड़ी लेकर निकला और मन ही मन सोचने लगा कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा था। घर गया, बिजनेस बर्बाद हो गया, बीवी और गर्लफ्रेंड भी गई, एक दोस्त था जिसकी तलाश में वो रेडियो स्टेशन तक आया, उसका भी कोई अता पता नहीं। परेशानी की हालत में संजय ने कहा, इन सारी परेशानियों से तो अच्छा ये होता कि मैं मर जाता। मेरी जान, मेरे दोस्त, लखते जिगर मेरे दोस्त, वापस आ गया तुम्हारा पूरे 2 दिन की छुट्टी के बाद। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। अरे हेलो जो सुन रहे हैं, अरे आपसे कह रहा हूँ मेरी जान, अब आ गए हैं आपके रेडियो सेट पे, दोस्ती नहीं करेंगे। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। दोबारा सुनने के लिए विजिट करिए हमारा YouTube चैनल 93.5 रेड टीवी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।